शेयर करता हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो सप्लाई ज्यादा हो गई, क्योंकि आपके जो लोग हैं मुल्क में रहने वाले, उन्होंने अपनी करेंसी बेचना शुरू कर दी ताकि फॉरेन करेंसी लें और फॉरेन बैंक में सेव कर दें, रिटर्न अच्छा मिल रहा है। अच्छा, जब आप वो ज्यादा करेंसी सप्लाई करेंगे, जिस तरह प्रोडक्ट को, अगर प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो सरप्लस हो जाता है, इस तरह करेंसी की भी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो सरप्लस हो जाएगा, और सरप्लस होने से एक्सचेंज रेट गिर जाता है, जैसे एक चीज की कीमत गिर जाती है, और एक्सचेंज रेट जब गिरेगा तो डिमांड फॉर करेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट कम होने में डिमांड फॉर करेंसी बढ़ती है। फर्क सिर्फ ये है कि जो सप्लाई ऑफ करेंसी का कर्व है उसमें आएगा शिफ्ट, जबकि जो डिमांड फॉर करेंसी का कर्व है उसमें शिफ्ट नहीं आएगा बल्कि उसमें मूवमेंट आएगी। और ये मैं आपको डायग्राम से दिखा भी देता हूं ताकि आपकी कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। एक मिनट, अच्छा ये देखिए, ये डिमांड है करंसी की, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सप्लाई बढ़ गई, राइट, यहाँ पे आ गए इक्विलिब्रियम, अब E1 पे आ गया, एक्सचेंज रेट गिर गया, आपके सामने नजर आ रहा है, और जो क्वांटिटी है करंसी की यानी कि डिमांड सप्लाई, वो दोनों बढ़ गए हैं जबकि सप्लाई बढ़ी है जी। तो ये आप देख लो आप, कि आपको नजर आएगा कि यहाँ पर डिमांड में मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है, देखो मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है क्योंकि वो एक्सचेंज रेट फैक्टर की वजह से हो रहा है, सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वो नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर की वजह से हो रहा है। अच्छा ये आपको अब मैं बता रहा हूँ, इसी तरह इन्फ्लेशन को ले लो आप, डायग्राम भी ऐसे ही बननी है, ठीक है, आप इन्फ्लेशन को ले लो, आपके मुल्क में एक्सचेंज रेट में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन आपके मुल्क में इन्फ्लेशन हो गई है, और इन्फ्लेशन होने से आपकी चीजें हो गई हैं महंगी दूसरों के लिए, तो आपकी चीजें नहीं लेंगे, आपकी चीजें नहीं लेंगे तो आपकी करेंसी डिमांड क्यों करेंगे, आपका जो डिमांड है करेंसी की वो लेफ्ट पे शिफ्ट। इस तरह आपके मुल्क में अगर लो इन्फ्लेशन है तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में रिलेटिवली चीपर है, लोग आपकी चीजें खरीदेंगे, उसके लिए आपकी करेंसी डिमांड करेंगे, जो करेंसी का कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट। इसी तरह पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लें, टेररिज्म की बात कर लें, कोई भी आप सिचुएशन ले लें और इसके अलावा बन सकते हैं, तो आप डिमांड फॉर करेंसी का राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, सप्लाई भी राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, तो एक्सचेंज रेट में इंपैक्ट आ रहा है, ये नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर्स की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। अच्छा ये तो मैंने आपको बात बता दी, जल्दी से मैं जो मैंने और इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट बताने हैं उससे पहले मैंने कहा मैं जरा आपको बुक दिखा दूं, बुक तो आप पढ़ ही रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लें और इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, कल हम दोबारा क्लास जरूर रखेंगे। अच्छा एक्सचेंज रेट आप पढ़े पढ़िएगा, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट, ये अप्रिसिएट डेप्रिसिएट की बात मैं बता चुका हूँ, मैं नहीं बता रहा कॉजेज क्या है वो, हम ये हॉट मनी की बात हुई भी आपने कर ली भी है, तो इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको बेसिक मामू की अंडरस्टैंडिंग की। पासवर्ड लेंगे हमें अब आगे जी जी बिल्कुल एक दो करेंगे, दिनों में? कल से 5 रुपये भी करेंगे। अच्छा तो अब ये है कि हम ये खत्म हो गया, अब मैं आपको जल्दी से बता दूं ये फ्लोटिंग फिक्स एक्सचेंज रेट वगैरह ये क्या बनाए हैं, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाए, और ये आखिरी टॉपिक ही था हमारा। अच्छा ये देख लें और उसके बाद क्लास हमारी खत्म हो जाएगी और कल हम इंशाल्लाह ताला फिर पास पेपर की तरफ चलेंगे। अच्छा ये आप देख लें जल्दी, लेकिन आपने ये बुक पढ़नी है जो जितना लिखा हुआ है ये भूलना नहीं है, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा एक बात आपको मैंने बतानी है कि अगर मैं कहता हूं, मैं बात करता हूं एप्रिसिएशन की, तो एप्रिसिएशन दो तरह से हो सकती है, एक कैसे कि आपके पास ये डिमांड और सप्लाई है और डिमांड बढ़ जाती है तो क्या हुआ, एप्रिसिएशन हो गई, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एक और भी तरीका है एप्रिसिएशन का, और वो क्या है, वो है कि डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन सप्लाई कम हो गई,
तो तब भी देखो आप एप्लीकेशन तो हुई भी है, आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये दो रीजन हैं एप्लीकेशन के, या डिमांड राइट पे शिफ्ट हो जाए बिकॉज ऑफ नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर्स, या सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए। इसी तरह से अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात कर लेता हूँ, तो उसमें आप गौर करो कि आपके पास डिमांड फॉर करेंसी है और सप्लाई ऑफ करेंसी है, और आपके पास अब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन में डिमांड फॉर करेंसी पीछे चली गई, कम हो गई। तो ये देखो क्या हुआ, एक्सचेंज रेट गिर गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सप्लाई ऑफ करेंसी को ज्यादा कर देता तब भी एक्सचेंज रेट आपको नजर आ रहा है कि गिर जाता है। तो ये याद रखना है कि या तो सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाए या फिर डिमांड फॉर करेंसी कम हो जाए, दोनों सूरतों में डेप्रिसिएशन होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है जिसको हमने देखना हमारा जरूरी है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात, एक्सचेंज रेट का ताल्लुक आपकी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के साथ भी बन जाता है, ये आपको पता है इस बात का। अगर मैं ये कहूं आपसे, ये भी बात समझा दूं, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास, हमने पीछे जो पढ़ा हुआ है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की डायग्राम, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, आपको याद तो होना एक्सचेंज चाहिए, रेट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम होती है। हाँ एक्सचेंज रेट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड आप कह रहे हैं कम होती है, लॉजिक बताओगे क्यों? सर, एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स में से जो नेट नेट एक्सपोर्ट्स होती है ना, वो भी होती है। लेकिन अब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आप ज्यादा फॉरेन गुड्स लोगे, क्योंकि आपके लिए वो चीपर हो जाएंगी। तो इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड लोकल गुड्स की कम हो जाएगी, इम्पोर्टेड गुड्स की ज्यादा हो जाएगी। ओके, ऑल राइट, गुड। यानी कि आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड में एक्स माइनस एम होता है, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, और जैसे कहा, और इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी, और जब वो गिरेंगी तो एग्रीगेट डिमांड को वो क्या करेंगी, कम करेंगी, क्योंकि एग्रीगेट नेट एक्सपोर्ट्स एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगी और नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी का अगर हम ऑपोजिट ले गए, एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो ओवरऑल आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्यों? बढ़ क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट्स कम नहीं होंगी बल्कि ज्यादा होंगी, और इम्पोर्ट्स ज्यादा नहीं होंगी बल्कि कम होना शुरू हो जाएंगी, और नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड भी राइट पर शिफ्ट कर जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो अब लास्ट चीज जो आपको बतानी है, और वो है जी एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। जल्दी से बता देता हूं, लेकिन दोबारा बता रहा हूं, बुक को पढ़ना ना भूलिएगा, क्योंकि वो आपको नॉलेज देती है और उससे आपको सवाल को आंसर देने में और एमसीक्यू करने में मदद मिलेगी। समझा तो मैंने दिया है, अब आपके लिए बुक पढ़कर समझना आसान है, लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, अभी तक किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, अब ये तीन तरह के हैं, एक हम बोलते हैं जी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो ओ लेवल में ही पढ़ा हुआ है, एक को बोलते हैं फ्लोटिंग, और एक को बोलते हैं हम मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसको समटाइम्स डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। अच्छा, अब फिक्स में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेती है, यानी कि ये करेंसी की डिमांड है, ये करेंसी की सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, और ये एक्सचेंज रेट सेट हुआ हुआ है मार्केट में, और ये आपके पास क्वांटिटी है करेंसी की। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जनाब हमने यही एक्सचेंज रेट रखना है, और वो क्या है, लेट से वो है जी डॉलर बराबर है 100 के, एग्जाम्पल है 100 रुपए, और ये डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी किसकी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी करेंसी डॉलर है, ठीक है। तो हमारी करेंसी क्या है, डॉलर। अच्छा, ये सप्लाई ऑफ करेंसी, डिमांड ऑफ करेंसी किसकी है, डॉलर। तो एमसीक्यूज में भी पहले पढ़ना होता है कि ऊपर किस करेंसी की बात हो रही है, ये जो डायग्राम बनी है वो किस करेंसी की है, डिमांड है और सप्लाई है, डॉलर की, रुपीज की, किसकी। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स तो कर लिया लेकिन फिक्स रह नहीं सकता, क्यों?
डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ करेंसी तो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, गवर्नमेंट ज्यादा कम कर सकती है, मान लिया। डिमांड गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती क्योंकि वो तो फॉरनर्स करते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसीलिए अब अगर डिमांड फॉर करेंसी बढ़ जाती है, यहाँ आ गई, तो अब आपको पता है इक्विलिब्रियम तो यहाँ आ रहा है। अब गवर्नमेंट कहेगी भाई ये क्या हो गया, ये तो काम खराब हो गया, एक्सचेंज रेट तो ऊपर को चला गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फौरी इंटरफेयर करेगी, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट में किसकी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और वो भी मुसलसल मुसलसल जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि ऊपर चला गया वापस लाना है, तो गवर्नमेंट ये करेगी अपनी करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देगी। बढ़ाई कैसे, कैसे बढ़ाती है, गवर्नमेंट धड़ाधड़ अपनी करेंसी से डॉलर खरीदना, सॉरी हाँ हम तो डॉलर की बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट धड़ाधड़ डॉलर अपनी जो करेंसी उनकी है डॉलर, डॉलर से रुपीज खरीदना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो वो उस वक्त तक खरीदेगी जब तक सप्लाई यहाँ नहीं पहुंच जाती। अब क्या हुआ, अब आप अगर गौर करो तो इक्विलिब्रियम वापस वही आ गया, E1। माना कि क्वांटिटी ज्यादा हो गई है लेकिन उसी रेट पे वापस आ गए, $1 इज इक्वल टू 100, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, ठीक है। इसी तरह से अगर कभी डॉलर की डिमांड कम हो गई है, ठीक है, और वो यहाँ पहुंच जाती है, लेट से मैं इसको ना हटा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, खिचड़ी ना बने। अच्छा, अब ये कि डॉलर की डिमांड कम हो जाती है, ये इधर आ गए, तो अब ये DC1, ये अब इक्विलिब्रियम आ गया, गवर्नमेंट कहेगी जी सप्लाई कम कर देगी इस बार। वो सप्लाई कम कर देगी, यानी कि वो क्या करेगी, वो उसके पास अगर रुपीस के फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं, अमेरिका के पास अगर रुपीस फॉरेन रिजर्व में पड़े हुए हैं, तो वो रुपीस से डॉलर खरीदना शुरू कर देगी, क्योंकि आपको अपनी करेंसी खरीदने के लिए फॉरेन रिजर्व चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। इसका मतलब है ये वही गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास फॉरेन रिजर्व है। मतलब हमने रुपीज की डिमांड बढ़ानी है, एक एग्जाम्पल लो तो, क्या मैं 100 रुपया देके 100 रुपया खरीद सकता हूँ, वो बंदा पागल ही समझेगा, दिमाग खराब है तेरा, जारी बात है। तो मुझे डॉलर होने चाहिए मेरे पास, मैं डॉलर से रुपीज खरीदना शुरू कर दूंगा तो रुपीज की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि हम डॉलर की डिमांड सप्लाई ले रहे थे, तो वो क्या करेंगे, रुपीज से अगर उनके पास पड़े हुए हैं तो रुपीज से डॉलर की क्या कहते हैं डिमांड, अभी तो हमने कहा ना कि सप्लाई को कम कर दें, मान लिया सप्लाई कम हो सकती है, ये हो गया यहाँ पर, ये तो आप पहले आपने बताया ना, बिल्कुल एक तरीका ये है। दूसरा क्या तरीका है, एक और तरीका कि आप क्या करें, सॉरी ये यहाँ डिमांड आई ना, ये तो सप्लाई कम कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है कि आप डिमांड बढ़ा दें दोबारा से, वापस इसको वापस ले जाएं, वो कैसे, अपनी करेंसी से, जो मैंने बताया कि आपके पास फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं उससे अपनी करेंसी खरीदना शुरू कर दें, फॉरेन रिजर्व से अपनी करेंसी खरीदें, तो दोबारा से डिमांड ऊपर जा सकती है। तो आपकी मर्जी है कि आप डिमांड को छेड़ना चाह रहे हैं या सप्लाई को, जो आसान लगता है गवर्नमेंट वो करती है, लेकिन इसको बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये है फिक्स में, यानी कि फिक्स में नाम फिक्स है लेकिन असल में एक्सचेंज रेट फिक्स रहता नहीं है, वो मुसलसल चेंज होता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट बार बार उसको इंटरवीन करके मार्केट में उसको वापस उसी पॉइंट पे ले आती है जहां पर वो पहले होता था। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं आपके लिए समझाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट, ये रबड़ से मिटा रहा था, देर लग रही थी। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका मतलब है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर गवर्नमेंट ने ये रेट फिक्स किया हुआ है, तो क्या होता है, इस तरह से काम चलता है, आपको नजर आ रहा है, ये है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, लेकिन एक सिमेट्री आपको नजर आ रही है जिससे नजर आ रहा है कि कोई कंट्रोल कर रहा है इसको। तो जब थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ऊपर ले आती है, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, नीचे ले आती है, तो ये एक सिमेट्री आपको जरूर नजर आएगी। जबकि अगर मैं फ्लोटिंग की बात करूं, तो फ्लोटिंग में कोई आपको सिमेट्री नजर नहीं आएगी, नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपने करंसी की डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया,
कि जो भी करेंसी की डिमांड सप्लाई का हो रहा है होने दो, तो एक्सचेंज रेट भी उसी तरह फ्लक्चुएट करता जाएगा। और उसकी डायग्राम में डिमांड सप्लाई की अगर बनाऊं तो वो इस तरह बनेगी कि अगर ये एक्सचेंज रेट है और अचानक डिमांड बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट ऊपर को चला गया, अचानक सप्लाई बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट फिर नीचे को आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करेंसी की डिमांड सप्लाई चेंज होती रहती है और एक्सचेंज रेट भी मुसलसल चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोट करता रहता है। तो फिक्स में तो आपने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है कि इसके अंदर आप कुछ ऐसा करते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, लेकिन बार बार नहीं, मुसलसल नहीं करती। इसमें आप दो बाउंड्रीज लगा देते हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। और गवर्नमेंट कहती है अगर इसके बीच में एक्सचेंज रेट चल रहा है तो हमें टेंशन नहीं, लेकिन अगर उससे नीचे जाएगा या ऊपर चला जाएगा तो गवर्नमेंट इस पॉइंट पर इंटरफेयर करेगी, इस पॉइंट पर इंटरफेयर करेगी। और कैसे? वही तरीका, या डिमांड को चेंज करेगी करेंसी की, या सप्लाई को चेंज करेगी। ये मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूं। जैसे कि ये हम रहने देते हैं, यह मैं बना देता हूं डायग्राम। नहीं, ऐसे नहीं बनेगी, जगह नहीं है इतनी। अच्छा, ये देखो, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये एक्सचेंज रेट, और गवर्नमेंट क्या कर रही, ये मैक्सिमम लिमिट लगा दी, ये मिनिमम लिमिट लगा दी। ठीक है, अब लेट्स से कि डिमांड बढ़ी, गवर्नमेंट कुछ करेगी? बताओ, गवर्नमेंट फिर करेगी कि नहीं, कोई बता दे भाई। गवर्नमेंट फिर नहीं करेगी क्योंकि ये इस रेंज के बीच में आ रहा है, अभी कुछ नहीं करेगी। अच्छा, फिर डिमांड और बढ़ गई, अभी भी कुछ नहीं करेगी, अभी भी उस रेंज के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर डिमांड यहां चली गई है तो अब रेंज से बाहर निकल गया है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई बढ़ा देगी। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की सप्लाई बढ़ाने से ये देखो यहां पर आ गए, तो आप दोबारा से उसी रेंज में आ गए। तो गवर्नमेंट बार इंटरफेयर सिर्फ तब तब करेगी जब वो मैक्सिमम लिमिट से ऊपर या मिनिमम लिमिट से नीचे चला जाएगा, लेकिन फिक्स के अंदर मुसलसल इंटरफेयर करना पड़ेगा आपको। तो ये फर्क है और इन तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। अच्छा, तो ये हमारी बात खत्म हो गई। कोई सवाल हुआ नो जरूर पढ़ लीजिएगा चैप्टर, कोई सवाल हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके फायदे नुकसान भी होते हैं। फायदे नुकसान पढ़ें और मुझे बताएं, नहीं समझ आती तो हम इसको कल दोबारा डिस्कस कर सकते हैं पेपर से पहले। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।